रोहित वेमुला की आत्महत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। आश्रम 7 बजे तक भूख हड़ताल पर हैं। इससे पहले राहुल ने रोहित के जन्मदिन के मौके पर मोमबत्तियां भी जलाईं। महात्मा गांधी की 68वीं पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम मोदी और सोनिया गांधी ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की 68वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और कुरान के आयतों के साथ ही श्लोक भी गाए गए। संसदीय मामलों के कैबिनेट कमेटी की बैठक 4 फरवरी को होगी। इसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। एनसीडी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक टास्क फोर्स बनाई है। कचरा हटाने के लिए 100 ट्रकों का इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार रात से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस ने आशंका जताई है कि अभी तक 2 आतंकी और छिपे हो सकते हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। नियुक्ति में सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा है। 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद भी आयोग में सदस्य का 1 पद रिक्त रहेगा। दारियाबाद में स्वतंत्रता सेनानी रामप्रताप व्यास का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। रामप्रताप व्यास कुछ ही दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर के जीजी क्वार्टर इलाके में पैंथर ने शुक्रवार रात एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बांसवाड़ा वन क्षेत्र में एक पैंथर पानी की तलाश में कुएं में गिर गया। पैंथर ने जैसे तैसे कर कुएं की दीवार के सहारे बनी समतल जगह पहुंचकर अपनी जान बचाई। अलवर के गढ़डाला गांव में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। अलवर में देसुला के कृष्ण कॉलोनी में एक मकान के ढह गया और हादसे में मलबे के नीचे दबकर पिता और बेटे घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। भीलवाड़ा के आजाद नगर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और 13 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चोरी करके फरार हो गए। बहरहाल प्रताप नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के खंडेली में एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी की ग्रामीणों ने पिटाई की थी, जिसके बाद वो फरार हो गया था। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस बल ने लावारिस से पड़े 2 बैग में से 20-20 किलो डोडा चूरा बरामद किया। आरपीएफ ने ये नशे के खेप देहरादून एक्सप्रेस के जनरल कोच से बरामद किए हैं। अलवर के रेफरल अस्पताल में एक युवक अधिकारी बनकर पहुंच गया। युवक ने चिकित्सकों को धमकाया। मामला समझ में आने पर चिकित्सकों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। सीकरी में आए दिन हो रही चोरी के विरोध में व्यापारियों ने रोष व्यक्त किया है। व्यापारियों का कहना है कि अगर चोरों को जल्द ही नहीं पकड़ा गया तो जल्द ही आंदोलन की तैयारी करेंगे। भरतपुर के 9 गांव में गंदगी, मच्छर, मक्खी और आवारा जानवर से परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में नेशनल कॉन्फ्रेंस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह यूनिवर्सिटी के मानविकी पीठ सभागार में हुआ। अलवर में राजस्व वसूली में पिछड़ा पंजीयन मुद्रांक विभाग ने रविवार और शनिवार को भी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। अलवर में विभाग का करोड़ों रूपये बकाया चल रहा है, जिसकी वसूली सालों से अटकी हुई है। नौहर में राजस्थान फिल्म परिषद का पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अभिषेक मटोरिया मौजूद रहे, जिन्होंने पत्रकारों को समाज का आईना बताया। आबरोड में ब्रह्म कुमारी संस्था की मुखिया ताती जानकी के 100 साल पूरे होने पर संस्था की तरफ से शांतिवन परिसर में जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें देश भर से केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री समेत जानी मानी हस्तियां हिस्सा लेने के लिए पहुंची। शुरुआती 2 सत्रों की शानदार सफलता के बाद प्रो कबड्डी लीग का 3रा सीजन आज से शुरू हो रहा है। 3रे सत्र में सर्विसेज के खिलाड़ियों की मौजूदगी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। संजय दत्त 25 फरवरी को जेल से बाहर निकल रहे हैं और उनके लौटते ही उनके कमबैक प्लान की तैयारी भी हो चुकी है। अब उनके प्रोडक्शन कंपनी ने 3 फिल्मों के नाम भी रजिस्टर करवा दिए हैं और उनके अलावा कई प्रोजेक्ट्स के नाम भी उनके साथ जोड़ दिए गए हैं। मुंबई में एक इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्शन का लॉन्चिंग इवेंट हुआ। इस दौरान मीडिया वालों ने कटरीना से उनके रणबीर कपूर के ब्रेकअप पर सवाल किया तो कटरीना ने कहा कि अगर हम पब्लिक फिगर हैं तो खबरों में रहेंगे।